नमस्कार आदाब, आप देख रहे साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हतो हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो दो नए डेडिकेट कोविड केयर हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, जिसे हम सरकारी अस्पताल भी कहेंगे कि जहां पर अब कोरोना के मरीजों का पूरी तरह से मुफ्त में इलाज होगा। जो अस्पताल बनाया गया है इस अस्पताल में 24 घंटा ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी और हर बेड पर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर की जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर में ज़रूरत पड़ रही है, उस वेंटिलेटर को देखते हुए महानगर पालिका ने यहाँ पर एक बड़ी गलती की है कि यहाँ पर वेंटिलेटर की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए थी। देखा गया है कि कोरोना के मरीज जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और वेंटिलेटर ना होने के चलते हमारे यहाँ पर काफ़ी मौतें भी हुई है। ये दोनों जो अस्पताल बनाए गए हैं इन दोनों अस्पताल में वेंटिलेटर ज़्यादा लगाने चाहिए थे, ऐसी मांग भी अब उठने लगी है। आइए जानते हैं हम कांग्रेस के जो ग्रुप लीडर है जुबेर इनामदार, इनका क्या कहना है आज जो इनॉग्रेशन हुआ है हॉस्पिटल का और वेंटिलेटर को लेकर उनकी क्या राय है। ये डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर क्रिएट किया है जिसके अंदर 206 बेड्स महानगर पालिका ने इसमें यहाँ पर लगाए हैं। ये प्रमोद महाजन सभागृह जो महापालिका का आरक्षण के अंदर बना था, मैं सबसे पहले प्रशासन को इसकी बधाई दूंगा कि इस समय में इस कठिन समय के अंदर ऐसी सुविधा की ज़रूरत थी जो उन्होंने पूरी की। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रशासन को ये भी ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने 206 बेड लगा तो दिए लेकिन लगाए सिर्फ ऑक्सीजन के। इसमें सिर्फ दो ही वेंटिलेटर्स हैं जबकि इतने बड़े शहर के अंदर महापालिका को वेंटिलेटर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करके देने चाहिए थे। कोविड जो रोग है उसका सीधा असर लंग्स पर होता है और लंग्स को चलाने के लिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 206 बेड के अंदर कम से कम 10% तो बेड कम से कम वेंटिलेटर्स हैं, 26 बेड वेंटिलेटर्स के होने चाहिए थे। ये मेरी सूचना महानगर पालिका को है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसका भी प्रावधान करें। पिछले 3 महीने में हमारे यहाँ पर 160 मौतें, 124 मौतें हुई थी, मतलब कुल चार महीने में 284 मौतें हुई है, जिसमें से सिर्फ पिछले महीने का अगर आंकड़ा निकाले तो 160 मौतें हुई है, यानी 3 महीने में 124 मौतें हुई है और पिछले 1 महीने में 160 मौतें हुई है। मौतों का आंकड़ा डबल ट्रिपल होते जा रहा है और यहाँ पर प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। क्या कहेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन या मनपा आयुक्त इस पर बराबर से ध्यान नहीं दे रहे हैं? मृत्यु की संख्या बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मृत्यु की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि कोरोना की चाचपनी बढ़ गई और लोगों का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। जो ट्रांसमिशन है बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ गया है, सेवा उपलब्ध नहीं है पूरे शहर के अंदर। आपको मैं बता दूँ, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स जो अभी आज खुले हैं, यानी आज का जो सेंटर है उसको पकड़कर और अप्पा सर धर्म अधिकारी जो भी काम चल रहा है उसको भी अगर हम साथ में जोड़े वहाँ के सेंटर्स की भी सुविधाओं को, तो पूरे शहर में आज की तारीख में सिर्फ हमारे पास 2129 बेड जिसके अंदर जनरल ऑक्सीजन के वेंटिलेटर्स के वेंटिलेटर पूरे शहर के अंदर 70 वेंटिलेटर्स हैं। पूरे शहर के अंदर हमारे पास अगर 800-850 खाली ऑक्सीजन बेड्स होंगे तो ये जो रोगी वो जाएंगे कहाँ पर? इसके लिए प्रशासन को ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर अभी आज के वक्त में जो है महानगर पालिका में दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है, तमाम विकास का काम बंद है और हमने किसी विकास के काम की मांग की भी नहीं है। हमने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे रखी है क्योंकि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कोविड से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए उपयोजना करते रहे। तो ये जो मृत्यु की संख्या बढ़ रही है इसके लिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही वक्त पर। अगर वेंटिलेटर्स मिल जाए, डॉक्टर की सुविधा हो जाए तो ये मृत्यु की संख्या भी कम होगी। देखिए, हम बीमारी को नहीं रोक पा रहे क्योंकि ये बीमारी अभी कम्युनिटी के अंदर जा चुकी है और ये सामाजिक रीत से बढ़ती जा रही है। हमें ज़रूरी है कि हम इसके लिए जो हम उपचार का जो माध्यम उपचार जो होगा वो माध्यम को हमको बढ़ाना है, तब जाकर कहीं ना कहीं पर ये मृत्यु की संख्या कम होगी। मेरी प्रशासन से विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपचार की जो सेंटर्स हैं जिसके अंदर वेंटिलेटर्स हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन की सुविधाएँ, इन सुविधाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा काम। पहले के जो मनपा आयुक्त थे और अभी के मनपा आयुक्त, दोनों में किस तरह का आप फर्क देखते हैं? ये तो मैं पहले के मनपा हमारे आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी जो आए और कोरोना की महामारी शुरू हो गई, उन्होंने अच्छी उपयोजना शुरू की, उन्होंने अपना काम, वो भी आईएएस अधिकारी हैं थे यहाँ पर, और उन्होंने एक अच्छा काम अपने काम वक्त में अच्छा काम किया।
शासन को लगा महामारी बढ़ रही है तो उन्होंने एक डॉक्टर, अभी हमारे जो विजय राठौड़ जी हैं वो डॉक्टर हैं बाय क्वालिफिकेशन, डॉक्टर हैं और आईएएस अधिकारी हैं, तो उनको एज ए डॉक्टर जो है जिस चीज़ की समझ ज़्यादा है इसके लिए यहाँ पर उनको नियुक्त किया, तो हमारी उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, हमारी उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा है कि एक डॉक्टर के हैसियत से और अच्छा काम यहाँ पर करें, पूरा प्रशासन पूरा शहर उनके साथ है। किस तरह का फ़र्क आपने देखा? ऐसा है कि उनको वक्त ही बहुत कम मिला है डॉक्टर विजय राठौड़ को, मेरी उनको शुभकामना है कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, और ज्यादा मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, सुविधा उपलब्ध होगी तो मृत्यु की संख्या कम होगी, तो उस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उनको काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको कहा कि 206 बेड में सिर्फ 2 ही वेंटिलेटर है, अब 2 वेंटिलेटर से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 10% वेंटिलेटर होने चाहिए थे, 26 बेड वेंटिलेटर के होने चाहिए थे, तो जो लोग यहाँ पर ऐसे वक्त ऐसे इसमें आ जाएंगे स्थिति में आएंगे कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो कहाँ भगाएंगे उनको, कहाँ ले जाएंगे? आपको मैंने बताया कि पूरे शहर के अंदर बहुत मुश्किल से 70 वेंटिलेटर हैं आज, और अगर संख्या इस तरह से जिस तरह से बढ़ रही है और पर हमारी सुविधाएँ हम नहीं दे पाए तो संख्या जाहिर सी बात है मृत्यु की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देखा और सुना दोस्तों आपने कि जो डेडिकेट कोविड केयर हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, कोरोना के इलाज के लिए जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं, अब इसमें वेंटिलेटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये बात शायद हमारे महानगर पालिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या मनपा आयुक्त है इनके नॉलेज में नहीं आई होगा, उन पर उन्होंने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इस खबर के माध्यम से जो और साथ में ही नगर सेवक जुबेर इनामदार ने जो मांग रखी है हमारे माध्यम से, वो उस मांग पर ज़रूर गौर करेंगे और दोनों जो हॉस्पिटल बनाए गए उन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा और बढ़ाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।